हेलो फ्रेंड्स, ग्रुप्स सेकंड का फर्स्ट पेपर होने वाला है एएमए और एसएमपी। ओल्ड सिलेबस के लिए एएमए और न्यू सिलेबस के लिए एसएमपी। तो उस पर मैं क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसे आपको एग्ज़ाम के पहले रेफ़र करना इंपॉर्टेंट है और रिवाइज़ करना इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट होगा। और इसमें मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ साथ थियोरटिकल पोर्शन भी कवर करूँगा, जो जिसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो सेक्शन सी है फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में एएमए और ओआर में, तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके जितने भी सेक्शन सी में आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं उसको डेफिनेटली कर लिएगा, क्योंकि वो 4-5 नंबर के क्वेश्चन में ज़रूर पूछता है। इस इंपॉर्टेंट सीरीज़ में मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन को नहीं पुट किया है, क्योंकि वो बहुत ही लेंदी है और इस टाइम पे रिवाइज़ करना उसको पॉसिबल नहीं है। तो आपने अगर उसके फॉर्मूलेज देखे होंगे, बेसिक क्वेश्चन देखे होंगे, वो सफिशेंट है। तो पहला चैप्टर है डेवलपमेंट इन द बिजनेस इन्वायरमेंट, तो इससे रिलेटेड मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि ये चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी पूछ लेता है और प्रैक्टिकल भी पूछ लेता है। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन 4 है, जो जिसमें 5 एग्जांपल दिए हैं, प्रिवेंटिव कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, चाहे अमाउंट देके पूछ लेगा, टोटल करने के लिए निकालेगा कि आपको इसमें से प्रिवेंटिव कॉस्ट कितनी है, अप्रेजल कितनी है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट है और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। तो इसको आप ज़रूर बना लीजिएगा, देख लीजिएगा दोनों चारों में डिफरेंस क्या है। प्रिवेंटिव अप्रेजल में सबको प्रॉब्लम होती है कि कौन सी कॉस्ट इसमें होगी। तो प्रिवेंटिव का मेन बेसिस होता है क्वालिटी, जहाँ जहाँ क्वालिटी पे अगर कोई भी कॉस्ट लगती है तो वो प्रिवेंटिव कॉस्ट होती है। और अप्रेजल कॉस्ट होती है उस प्रोडक्ट को अच्छे से टेस्ट करके और उसको बहुत अच्छे से बना के प्रोडक्ट को देना। तो अप्रेजल मींस एक तरह से कि आपको, जैसे कि कोई आपकी तारीफ़ करता है तो उस तरह की कॉस्ट होती है। तो उससे क्या होता है कि अगर आपने इंस्पेक्शन कर लिया या पैकिंग एक्सपेंसेस कर दिया, फील्ड की टेस्टिंग कर ली, तो इससे आपकी क्वालिटी इम्प्रूव के साथ साथ आपका प्रोडक्ट भी अच्छा हो जाएगा। इसीलिए ये डिफरेंस होता है, बाकी और भी डिफरेंस होता है जिससे आप इसको बाइफरकेट कर सकते हैं। और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन 7 है इसको आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा एक बार, मुझे लग रहा है कि ये इससे रिलेटेड 1-2 पॉइंट जरूर क्वेश्चन में हो सकता है कि प्रेस के बारे में क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल है उसके बारे में आप ये देख सकते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो लेटेस्ट एडिशन का क्वेश्चन 27 है, जो इसमें जो कह रहा है 2 एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इन एबीसी। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें ये बता रहा है कि इसमें कौन कौन सा इसका ड्राइवर है। तो इसको आप जरूर चेक कर लीजिएगा, ये 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। और सबको ये लग रहा है कि जो प्रीवियस पेपर हुआ था दिसंबर का, उससे प्रीवियस पेपर जो हुआ था तो वो एएमए के पेपर टफ़ आए थे, लेंदी आए थे। तो इस बार भी चांस बन रहा है कि टफ़ और लेंदी आएगा, तो ऐसा सोच के आप मत जाइए। मेरे ख्याल से इस बार एएमए का पेपर, जैसे एएमए का पेपर आता है लेंदी तो आता है, लेकिन क्वेश्चन उसमें आपको पीएम के 5 पेपर के ही मिलेंगे। और हाँ, आपको पीएम के अलावा भी 5 पेपर जो 3 ईयर्स के हैं, आरटीपी एमटीपी, उसके क्वेश्चन को ज़रूर से देख लेना चाहिए, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन रिपीट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन 14 है लाइफ साइकिल की, तो इसमें मुझे लग रहा है कि ये जो इसकी 4 स्टेजेज होती है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन, डिक्लाइन, इस पर एक केस बेस बना के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसमें ये पूछ सकते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट की ये स्टेज चल रही है तो ये किस स्टेज में आएगा। तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और क्वेश्चन 44 जो है आपकी प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटीज से रिलेटेड है, इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जो सेक्शन सी है उसमें पहले जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन रहते थे, केस बेस्ड क्वेश्चन रहते थे, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 4 से 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि इसमें हमको सिर्फ जो पूछता है उसी का आंसर करना रहता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कम आते हैं एएमए में, क्योंकि पेपर ही इतना लेंदी रहता है। तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन आप ज़रूर देख लीजिएगा कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है। क्वेश्चन 45 भी आप इसके नीचे वाला जरूर चेक कर लीजिएगा, इसमें भी कई सारे पॉइंट दिए हुए हैं, तो ये हो सकता है इसमें अमाउंट इंक्लूड करके पूछ सकता है क्वेश्चन। और क्वेश्चन 53 जिसमें कॉस्ट रिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें ये जो टेक्निक दी हुई है कॉस्ट रिडक्शन की, इसको आप चेक कर लीजिएगा। कभी कभी ये पूछता है कि ये कॉस्ट रिडक्शन होगा कि कॉस्ट कंट्रोल होगा, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाना होगा, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। 4 नंबर के आपको क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि वो कम टाइम लेते हैं और नंबर्स में जल्दी मिल जाता है। क्वेश्चन 64 ये आपका थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट्स रिलेटेड है, इसमें जितने भी पॉइंटर्स दिए हुए हैं इसमें पूछ रहा है कि ये थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट में क्या क्या आता है, ये किस किस पार्ट में जाएगा, थ्रूपुट, कंट्रीब्यूशन में, ऑपरेटिंग कॉस्ट में, इन्वेस्टमेंट में। तो इसको देख लीजिएगा, हो सकता है इससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछ सकता है, 8 नंबर में भी पूछ सकता है। सो हम सेक्शन सी पे आ गए हैं फर्स्ट चैप्टर के। बी सेक्शन में आपको क्वेश्चन
मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपने प्रैक्टिस की होगी क्वेश्चंस, मैं आपको ए और सी में से बता रहा हूँ जो थ्योरेटिकल है और केस बेस्ड एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं या केस बेस्ड क्वेश्चन है। बाकी आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए आपने पहले से प्रिपेयर किया होगा। और चलिए अब देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन आपका है, इसको आपको ज़रूर कर लेना है। इसमें पूछ रहा है कि इसकी डायमेंशन क्या है, प्रोडक्ट के रिलेटेड रिलायबल है, परफॉर्मेंस है, एथिस्टिक है और ड्यूरेबिलिटी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आ सकता है क्योंकि ये 5 पेपर का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपका, सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा है भाई प्रिवेंटिव अप्रेजल कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट ये सब सेक्शन सी वाला क्वेश्चन है। और ये वाले में चलते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन आपका जो है TQM पे है, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा कि इसमें स्टेटमेंट वाइज पूछता है कि वैलिड है इनवैलिड है। और ABC में आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ABC के क्वेश्चन ही आते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। और आपको ये क्वेश्चन नंबर सेवन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ये आपका बता रहा है कि ये प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, उसका रीज़न क्या है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है सेक्शन सी में। और ये नॉन वैल्यू और वैल्यू एडेड वाले क्वेश्चन हैं जिसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है जिसमें टाइम भी दिया हुआ है साइकिलिंग का, टोटल साइकिलिंग का, और जो उसमें जो नॉन ऑपरेटिंग है उसको लेस करना रहता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। टारगेट कॉस्टिंग में भी वैलिड इनवैलिड, मतलब सेक्शन सी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें आपको एक जल्दी जल्दी से ये सब क्वेश्चन कर लेने ज़रूरी हैं क्योंकि इससे आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ये देखिए जैसे मैंने बोला था ना कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें CCCC CR ऐसे लिखा हुआ है, तो इसमें ये बताना है कि कौन सा रिडक्शन माना जाएगा, कौन सा कंट्रोल माना जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 16 को आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सो आप क्वेश्चन चैप्टर सेकंड पे चलते हैं, डिसीजन मेकिंग यूजिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट रेसिपी एनालिसिस। इससे मुझे ये लगता है कि इस बार BEP का क्वेश्चन आ सकता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी BEP निकालने के लिए, तो इसको आप ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। सेकंड चैप्टर में क्या है कि जो सेक्शन ए है थ्योरेटिकल पेपर, उसमें जो है आपका क्वेश्चन चांसेस कम रहते हैं, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछता है और क्वेश्चन भी बहुत ही कम रहते हैं। मेन जो है आपका पहला चैप्टर रहता है, आपका टारगेट कॉस्टिंग रहता है, आपका ट्रांसफर प्राइसिंग रहता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रहता है, बजट रहता है और सर्विस कॉस्टिंग रहता है और आपका प्राइसिंग डिसीजन। तो ये आपका मेन फोकस वाला चैप्टर होता है, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। सेकेंड बहुत लेंदी है, बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन है, तो उस पर ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं पूछा जाता है। तो आप इसका क्वेश्चन जो है जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है उसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। जैसे शट डाउन कास्ट आ सकता है, डीएसमेंट में आ सकता है, मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3 में पूछता है कि इसका ब्रेक इवन निकालिए कि किस पे कितना निकालना चाहिए, तो ये सब कर सकते हैं। बाकी सेक्शन सी में चलते हैं। सेक्शन सी जो है इसका क्वेश्चन 1, ये आपको ज़रूर कर लेना है क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और इसमें कमेंट भी करना है। तो कमेंट को मान लीजिए अगर आपने हटा दिया तो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो 4 से नंबर में पूछ सकता है, तो इसको आप ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। लिमिटिंग फैक्टर पे रिलेटेड एक केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताइए कि अगर मैक्सिमम सेल प्राइस इन लिमिटिंग फैक्टर होगा तो क्या होगा उसका। ये देखिए PV रेशियो के हिसाब से निकालना है, इसको ज़रूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन 4 आपका कमिटेड और डिस्क्रिमिनेशनरी फिक्स कॉस्ट पे रिलेटेड है। कमिटेड कॉस्ट फिक्स कॉस्ट वो होती है जो आपको देना ही देना है, चाहे आपका बिजनेस चले या ना चले, और चाहे जैसे कि जो लीगल चार्जेस है या फिर जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो सब, और आपका सैलरी वेजेस ये सब कमिटेड होती है। और डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट ये होती है कि वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, फिक्स कॉस्ट तो रहती है लेकिन जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आगे चल के कोई और प्रोडक्ट बनाना है तो उससे रिलेटेड अगर आपको ऐड करना है कि नहीं उस टाइप का, और जो उसके प्रोडक्ट हैं उसका बाई प्रोडक्ट या फिर कोई उसका अल्टरनेटिव है उसके रिलेटेड जो एक्सपेंस करना है तो उस पर ये कॉस्ट रहती है। तो ये मतलब कि ये रहता है कि डिस्क्रिशनरी रजिस्टर रहती है, अगर आपको करना है तो करिए, नहीं तो अगर आपकी गुडविल अच्छी बन गई तो आपका ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि नया प्रोडक्ट भी आपका बिकेगा और रिसर्च रिसर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये होता है, तो इसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन 5 जो है आपका प्रोडक्ट कॉस्ट है, कमिटेड कॉस्ट है, इंक्रीमेंटल शट डाउन कॉस्ट, तो ये 4 पॉइंटर्स पूछा हुआ है, तो आपको इन कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए तभी आप लिख सकते हैं। इन समय क्या है कि अगर आपने कोई भी गलत कर दिया तो वो नंबर तुरंत कट जाएगा, इसलिए छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन ये आपको स्कोर करने के लिए ईजी है। 6वां क्वेश्चन भी देख लीजिए, यही कमिटेड डिस्क्रिशनरी कॉस्ट है, इसी तरह का क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन भी आप जरूर देख लीजिएगा, ये भी कमिटेड और डिफरेंशियल कॉस्ट पर है। इसमें का 8वां क्वेश्चन है जो ऊपर वाला, ये देख लीजिएगा, इसमें ये रेलिवेंट है, रेलिवेंट वाले क्वेश्चन से, तो ये पूछ सकता है।
और नवा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 10वां क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और आपका 11वां क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। थर्ड चैप्टर पर चलते हैं, प्राइसिंग डिसीजन। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 8 से 10 मार्क्स का रहता है। कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन भी रहता है, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी रहता है, जिसको डेफिनेटली आप तैयार करिएगा सेक्शन ए बी और सी। पहला क्वेश्चन है स्कीमिंग प्राइसिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग, इसको जरूर से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसको आप अगर प्रिपेयर किए रहेंगे तो केस बेस की तरह एक क्वेश्चन आता है पॉइंटर्स के रूप में। उसमें ये पूछता है कि कोई नया प्रोडक्ट है वो उसकी मार्केट ये है कि अगर वो आने के बाद उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी तो उसकी मार्केट खत्म हो जाएगी। और पेनिट्रेशन वाले में क्या रहता है कि एक प्रोडक्ट रहता है जो ज़्यादातर मेजोरिटी के पास पहुँचाने का टारगेट रहता है, और उसकी जो कॉस्ट रहती है वो कम करके की जाती है ताकि वो स्टेबल बना रहे। तो ये होता है स्कीमिंग और प्राइसिंग में। जैसे स्कीमिंग हो गया आपका एप्पल आईफोन हो गया, और पेनिट्रेशन प्राइसिंग हो गया आपका जैसे ये नॉर्मल फ़ोन हो गया। तो इससे रिलेटेड केस बेस आ सकता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। और पैरेटो एनालिसिस रिलेटेड केस क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें 80-20 का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। सो सेक्शन सी में आप देख सकते हैं कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है आपको ये क्वेश्चन जो आपका जैसे मैंने बोला था क्वेश्चन सेकंड, इसमें ये पूछ रहा है कि कोई न्यू प्रोडक्ट है तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग लगेगा, और उसमें क्या है कि वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इस तरह के केस बेस क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी तैयार करिएगा, क्वेश्चन आएगा। तो 14वां चैप्टर है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। तो इसमें क्या होता है कि जीरो बेस के बारे में आपको थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ लेना चाहिए, और जीरो बेस बजट क्या होता है, फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। बाकी इसमें बजट बनाने के लिए आता है, तो बजट कई टाइप के बनते हैं। एक होता है जो जीरो बेस पे बनता है, एक होता है जो पास्ट वाला रहता है, उसमें थोड़ा सा प्लस करके जैसे कि कॉस्ट बढ़ गई या फिर कोई नया फिक्स्ड एक्सपेंडिचर बढ़ गया, उस हिसाब से फ्लेक्सिबल बजट बनाया जाता है। और एक फिक्स बजट होता है जो फिक्स स्टैंडर्ड बेसिस पे बनाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन ये है JBB का, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज लिमिटेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन 4 आपका मैक्सिमम कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी और प्रिंसिपल बजट फैक्टर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिकल बना सकते हैं कि टोटल जो है जितनी कैपेसिटी है उसको दे देंगे, फिर उसमें से प्रैक्टिकल कैपेसिटी क्या होती है कि इतना काम हो सकता है, और नॉर्मल कैपेसिटी क्या होती है जितने पे हम लोग काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी 24 आवर्स की पढ़ाई करने की है, और प्रैक्टिकल कैपेसिटी आप कहते हैं कि मैं चलो 18 घंटे पढ़ लूँगा, लेकिन जब आप पढ़ते हैं और आपका वो सब एबनॉर्मल लॉस और ये सब रहता है तो आप 14 से 15 घंटे पढ़ते हैं, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल कैपेसिटी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। बी सेक्शन में आप तैयार कर लीजिएगा बजट, और चलिए अब सी सेक्शन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हिस्ट्री ऑफ कंपनी, ये रिलेटेड क्वेश्चन है सेक्शन सी का, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। और आपका जो है क्वेश्चन 6 तैयार कर लीजिएगा, इसमें क्या बोलता है कि ये JBP पे बनेगा या TBB बनेगा, मतलब कि इसमें जीरो बेस बजटिंग लगेगी या ट्रेडिशनल बजटिंग लगेगी, इसको आप कर लीजिएगा। 6वें चैप्टर चलते हैं कॉस्टिंग ऑफ सर्विस सेक्टर। तो इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन 8 नंबर से 10 नंबर में सर्विस सेक्टर का क्वेश्चन आता है, कभी हॉस्पिटल से रिलेटेड पूछ सकता है, कभी ट्रेन से रिलेटेड, बस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें सेक्शन सी नहीं है, लेकिन सेक्शन सी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हॉस्पिटल की कैसे कॉस्ट निकालेंगे, और अगर ट्रक्स हैं तो उसकी कैसे कॉस्ट निकालेंगे, और उन पे इतने इतने लोडिंग का चार्जेस लगता है तो उस पे कैसे कॉस्ट निकालेंगे, जैसे पर बेड निकालते हैं, पर पेशेंट निकालते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो एक बार इसको आप बड़ा व्यू के उसमें देख लीजिएगा। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रांसफर प्राइसिंग, इससे क्वेश्चन 12 नंबर का कन्फर्म मान के चलिए, और केस बेस में भी थ्योरेटिकल पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। मुझे इस बार ये लग रहा है कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग में इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग पूछ सकता है, क्योंकि प्रीवियस वाले में आपका कैलकुलस बेस पे पूछ लिया था, जिसमें MR MC वाला रूल लगता है, वो पूछ लिया था। तो ये इंटरनेशनल बजटिंग पे पूछ सकता है, या फिर 3-वे ट्रांसफ़र प्राइसिंग पूछ सकता है, जहाँ पे 3 पार्टीज रहती हैं उनमें ट्रांसफ़र किया जाता है। तो उसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये सेक्शन सी है, इसका पहला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये चेक किया जाता है कि इसमें किसको फ़ायदा होगा, जैसे कि अगर फुल कॉस्ट है तो नो मार्कअप है, तो उसमें से इसका पोर्शन इतना है तो उसको कितना फ़ायदा होगा। आप इसके रीज़न पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी इसमें एक
केस बेस क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि जैसे कि एक रेट दे देगा और दो रेट पे वो दो पार्टी अग्री करेंगे, तो दो पार्टी में से किसका आपको सबसे ज़्यादा सही है वो लेके निकालना पड़ेगा। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग चैप्टर 8, इसके इसको आप एकदम छोड़ कर मत जाइएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं और ये थ्योरेटिकल है, तो 3-4 पेज का है, इसको आप कवर कर सकते हैं पीएम से ही। तो आपको इसमें यही पूछता है इंटरफॉर्म कंपैरिजन क्या है, ऑब्जेक्टिव और यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या है। तो ये जो आपके थ्योरी के क्वेश्चन है इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसमें से मैं इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, जैसे आपका ये लिमिटेशन है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्वेश्चन नंबर 3, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा एडवांटेजेस और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। पांचवा क्वेश्चन ये तैयार कर लीजिएगा और छठवां क्वेश्चन इसको और सातवें क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। सो क्वेश्चन चैप्टर 9 है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जिसमें से क्वेश्चन 8 नंबर से 10 नंबर पूछता है। ABC क्वेश्चन पूछता है और ये पूछता है, इसमें कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी भी पूछता है और प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी भी पूछता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी भी पूछता है, तो इसको जरूर तैयार करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं, बैलेंस स्कोर कार्ड को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके जो ये 4 पर्सपेक्टिव होते हैं, कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, लर्निंग एंड ग्रोथ एंड फाइनेंशियल, इस पर भी केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि उसमें केस दे देता है कि ये केस है तो किस बेसिस पे होता है, इसको जरूर चेक कर लीजिएगा। आपका ये चौथा क्वेश्चन है जो बैलेंस स्कोर कार्ड पे, इसको भी आप देख लीजिएगा। देखिए इसमें कस्टमर पर्सपेक्टिव में दिया हुआ है कि कस्टमर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, प्राइस, डिलीवरी, क्वालिटी, सपोर्ट। इंटरनल फेलियर के लिए सबसे ज़्यादा क्या होता है, एफिशिएंसी, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, तो इसको आप पढ़ लेंगे तो बाकी आप क्वेश्चन कैप्चर कर लेंगे। चलिए सेक्शन सी पे चलते हैं। सी वाले में आपको ये जो पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, इसको बता दीजिएगा। इसमें एक रेस्टोरेंट का एक वो है जहाँ पे उसको 4 पर्सपेक्टिव में बनाना है कि क्या क्या करना है, इसको आप देख लीजिएगा। और सेकंड वाला क्वेश्चन आपका ये वाला है, सेकंड वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसमें देखिए ये दिया हुआ है कि लर्निंग, इनोवेशन होगा, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव होगा, कस्टमर प्रेफरेबिलिटी होगा। इसके अलावा आपको क्वेश्चन करने के लिए पांचवा क्वेश्चन है बैलेंस स्कोर कार्ड कंपनी क्रेडिट कार्ड का और टेलीकॉम कंपनी का, इसका कर लीजिएगा, क्योंकि सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, एक पे एक एप्लीकेबल नहीं होगा। फिटनेस वाला भी चेक कर लीजिएगा और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसको करने में आप आसानी से कर लेंगे, आठवां भी कर लेंगे, क्योंकि 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका, 10वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए OR पे चलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर 10, और इसमें भी आपका OR का चैप्टर है और 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है, तो इसको आपको तैयार करना चाहिए। ए थ्योरेटिकल था, उसमें कुछ ऐसा तैयार करने की ज़रूरत नहीं थी, बाकी आपने इसको जब किया होगा तो आपको इतना आप सफिशिएंट है कि आप थ्योरी लिख सकते हैं। सेक्शन सी में आपको पहला क्वेश्चन जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि सिंप्लेक्स का क्वेश्चन जो लेंदी वाला क्वेश्चन रहता है उसको टच करने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे, लेकिन उसके सेक्शन सी में जो ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसको कर लीजिएगा। आई थिंक ये 2020 वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसमें 7-8 पॉइंट दिया हुआ था, 7-8 पॉइंट दिया हुआ था इसी से रिलेटेड, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पास्ट पेपर देख लीजिएगा 2-3 साल का। और बाकी आप ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें ये वाला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, क्योंकि सिंप्लेक्स में वो तो आप नहीं टच कर रहे हैं, लेकिन इसको टच करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आजकल इससे पूछ रहे हैं। और थर्ड क्वेश्चन में भी आपका ये इसको भी तैयार कर लीजिएगा सिंप्लेक्स में, और बाकी सिंप्लेक्स में जो बी सेक्शन है उसमें जो क्वेश्चन है उसको तैयार कर लीजिएगा। सो ट्रांसपोर्टेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट OR चैप्टर, इसमें क्या रहता है, वैम को ही टारगेट करते हैं, लेकिन कुछ समय से क्या हो रहा है कि वैम, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, लीस्ट कॉस्ट मेथड, तीनों को पूछ रहा है, तो आप एक एक क्वेश्चन इसका जरूर बेसिक वाला जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल उससे भी डिफेंस पे पूछ रहा है। जैसे प्रीवियस वाले अटेम्प्ट में भी क्वेश्चन आया था, उसमें दोनों से पूछा था, एक वैम था आई थिंक और एक था लीस्ट कॉस्ट मेथड, फिर उसके हिसाब से उसका इनिशियल सोल्यूशन निकालना था, तो एक बार इसको तैयार कर लीजिएगा। इन सब क्वेश्चन में क्या रहता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा 4 नंबर का आएगा, बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट से आता है AMA से, इसीलिए इसमें जो है आपको सिर्फ बी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और जो सेक्शन सी है जिसमें जिसमें दिया है उसमें आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए। गाइस सेक्शन सी पे आ गए हैं ट्रांसपोर्टेशन के, तो इसमें आपको ये पहला क्वेश्चन क्या है इसको आपको करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन इसको आप कर लीजिएगा। आपका जो ये थर्ड क्वेश्चन है इसको ज़रूर कर लीजिएगा, चौथा क्वेश्चन इसको कर लेगा। आपको OR में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें कुछ नई चीज़ें नहीं होती, इसमें एक मेथड प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, उसी फॉलो को करिएगा, उसी की तरफ से सॉल्व करिएगा तो क्वेश्चन आ जाएगा, और जहाँ भी आपने शॉर्टकट यूज़ किया तो वो गलत हो जाएगा।
ट्वेल्थ चैप्टर पे आ गया असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर इन द ओआर चैप्टर सब्जेक्ट, तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा असाइनमेंट प्रॉब्लम में। असाइनमेंट प्रॉब्लम बहुत ही ईजी होती है, इसके जितने भी क्वेश्चन आपको मिले हैं उसको कर लीजिएगा। पास्ट पेपर आपको मई 18 से लेके आज तक का जो दिसंबर तक का एग्ज़ाम हुआ है उसको चेक कर लीजिएगा, कर लीजिएगा असाइनमेंट पे। चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है असाइनमेंट प्रॉब्लम में इस पर वो क्वेश्चन आएगा जो एक रूट वाला नहीं है, पी क्यू आर एस टी वाला, जिसमें आपको क्या करना रहता है कि एक बंदा एक ही रूट से एक ही बार जाएगा, उसके बाद वो अपना सारे लोग को कवर करते हुए आएगा। ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर टफ क्वेश्चन में पूछना होगा असाइनमेंट में तो वो टफेस्ट क्वेश्चन में से आता है। और सेक्शन सी में आपको चलिए देख लेते हैं। इसमें सेक्शन सी में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये वाला तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको एक बार देख लीजिएगा, इससे आपका माइंड ब्रशअप हो जाएगा। चलिए 13 चैप्टर पे आते हैं, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी है, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस है कि इसको आपको करना डेफिनेटली है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। कुछ क्वेश्चन लेंदी रहते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेंदी पेपर रहता है एएमए का। चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सेक्शन ए है उसमें जो क्वेश्चन 4 है, क्रिटिकल पाथ और डमी एक्टिविटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसके बारे में बताना है और इसी तरह की ये चीज़ें बतानी है। ये नीचे वाला भी है कि मर्ज इवेंट क्या होता है, बर्स्ट इवेंट क्या होता है, ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। आई थिंक 1-2 साल पहले वाले पेपर में ये आया था, तो आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम्पल के साथ बताइएगा तो नंबर आपको मिलेगा। सेक्शन बी में ये पहला क्वेश्चन है, इसको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी एक तरह से सेक्शन सी का ही पार्ट है, लेकिन बी में है। ओआर बहुत सिंपल होता है, स्कोर करना आसान रहता है, इसीलिए ओआर पे भी फोकस करिए। और एएमए में सेकंड चैप्टर को छोड़ करके फर्स्ट चैप्टर पे, थर्ड चैप्टर पे, फोर्थ चैप्टर पे, सिक्स चैप्टर पे, और आपका ट्रांसफर प्राइसिंग और 9 चैप्टर प्रोडक्ट एनालिसिस वाला, उसको आपको फोकस करना चाहिए। और जितने ज़्यादा जल्दी जल्दी आप रिवीजन करेंगे सही होगा। तो ये वाला जो सी सेक्शन का क्वेश्चन 1 है, इसको जरूर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि चांसेस है आने के। सो 14वां क्वेश्चन है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन और रेवेन्यू टेक्निक पार्ट टेक्निक, एक तरह से ये 13वें चैप्टर का ही पार्ट है, और पास्ट लास्ट ईयर के पेपर में ये वेरियंस वाला निकालने वाला क्वेश्चन आया था, जिसमें कि आपका मोस्ट लाइकली वाला रहता है और लीस्ट लाइकली वाला रहता है, इस तरह वाला क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन आया था, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, मे बी वो वाला क्वेश्चन ना आए। सो फ्रेंड, इसके क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, नॉर्मल क्रैश, क्रैशिंग टाइम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और अब की मुझे ये चांस लग रहा है कि टाइम स्केल डायग्राम पे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी आया नहीं है काफ़ी टाइम से। एक बार जो शायद साउथ में कोई पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, तो इसको आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी इसके डायग्राम को बनाना, उसके बाद क्रिटिकल पाथ को बनाना, फिर उसके बाद क्रैशिंग करना, इसको आपको करना था, और प्रोजेक्ट अपडेटिंग और क्रैशिंग, ये दो इसमें से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वाला जो वेरियंस वाला है वो मेरे ख्याल से शायद ना आए, क्योंकि प्रीवियस में पूछ लिया था, लेकिन ICAI कुछ कह नहीं सकते। तो आप अपडेटिंग वाला और ये वाला जरूर तैयार कर लीजिएगा, और टाइम स्केल डायग्राम भी एक बार बना के देख लीजिएगा। तो 15 चैप्टर पे आ गए हैं सिमुलेशन पे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, और जो मई अटेम्प्ट में देने वाले हैं उनको भी सजेस्ट करिए मेरे चैनल के बारे में। चैनल का नाम है आपको consult.com। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको CA फाइनल से रिलेटेड टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप ज्वाइन होइए, अपने आप से कमेंट करिए, सेक्शन पूछिए, डाउट क्लियर करिए, और वहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट के ABC एनालिसिस लेके आता हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है और मेमोरी टेक्निक क्या हो सकती है, और वीडियोस भी बना देता हूँ, और वेबसाइट पे भी आपको आपके रिलेटेड आर्टिकल्स मिलेंगे, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। तो मुझे भी सपोर्ट करिए, थैंक यू। तो चलिए फिर 15 क्वेश्चन पे चलते हैं, 15 चैप्टर पे चलते हैं। सिमुलेशन वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक्स होता है सिमुलेशन, इसमें आपको रेंज और सीरीज बनानी रहती है, तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार चांसेस है क्वेश्चन के, जिसमें सर्विस करने का रहता है क्वेश्चन, कि इतने पे डॉक्टर आया, पेशेंट आया, फिर उसके बाद सर्विसिंग हुई, उसी तरह से जो बैंक में होता है कि बैंक में कस्टमर आया, उसने पैसा जमा किया, उसकी सर्विसिंग हुई, उसी तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है। और एक केक वाला क्वेश्चन जो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है वो आ सकता है, तो उसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और बहुत ही ईजी होता है सिमुलेशन, और इसमें स्कोर करना आसान है, तो मेरे ख्याल से 8 नंबर में इस बार ये क्वेश्चन आएगा।
और एक डिफेक्टिव वाला क्वेश्चन है जिसमें कि ABC कैटेगरी दी रहती है, अगर पहला प्रोडक्ट स्टार्टिंग में ही ख़राब रहता है तो रिजेक्ट हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी एक बार तैयार कर लीजिएगा, मुझे लगता है कि हो सकता है ये भी आ सकता है। क्वेश्चंस में वैरायटी में बहुत सारे हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। बाकी सबसे सिंपल चैप्टर होता है, बाकी इसमें सेक्शंस ही नहीं हैं। 2-3 साल के पास्ट पेपर आप देख लीजिएगा और उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए लास्ट चैप्टर पे आ गए हैं, LC पे। LC भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि अगर लर्निंग कर्व लगती है तो 1 से 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में, इसमें तो जो लर्निंग कर्व लगती है वो निकाल ली जाती है, लेकिन जो ऑड वाली होती है 1 से 3, 3 से 5, इन सब में निकालने में आपको फॉर्मूले का यूज़ करना रहता है, y=ax b। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये पहला क्वेश्चन जो है सेक्शन बी का, इसको आप जरूर से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड मिक्सचर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लर्निंग कर्व में जो एक आपका लास्ट में क्वेश्चन है उसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का भी यूज़ किया हुआ है और लर्निंग कर्व भी निकाला है, तो उसको आप जरूर से रेफर कर लीजिएगा क्योंकि पेपर हार्ड भी हो सकता है। और सो फ्रेंड, आप लोग को अगर डाउट होगा कि इसमें से हम लोग को लॉग निकालना पड़ेगा, एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, तो पेपर इतना लेंदी रहता है कि लॉग और एंटी लॉग ऑलरेडी निकाल के दिए रहते हैं, क्योंकि अगर आप निकालेंगे तो हो सकता है आपके पॉइंट में डिफरेंस आ जाए, तो आपकी वैल्यू कम आएगी या ज़्यादा आएगी और वो मैच नहीं करेगी सजेस्टेड से, तो उनमें फिर नंबर के कटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए अब जो है काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है कि वो वैल्यू दी हुई रहती है, तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, वो मिलेगा। सेक्शन सी में आपको ये वाला पहला जो क्वेश्चन है इसमें ही पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ पे लर्निंग कर्व अप्लाई होगी, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। और वो जो प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन रहता है जिसमें क्या होता है कि इनिशियल स्टेज पे एक डेमो बनाया जाता है, उसके बाद लर्निंग कर्व अप्लाई होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो पहली वाली प्रोडक्ट रहती है वो माइनस करने के बाद निकाला जाता है, तो उसको आप ध्यान रख के करिएगा क्वेश्चन। इसमें जो है सेकंड क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड क्वेश्चन आपको जरूर से करना है। तो दैट्स इट गाइस, ये AMA का आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ बता दिया है, कुछ पॉइंटर्स बता दिया है, कुछ क्वेश्चन में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए आपको वो बता दिया है, और वर्किंग नोट को आप ज़रूर बनाइएगा, शॉर्टकट में मत करिएगा क्योंकि नंबर नहीं मिलेगा, वर्किंग नोट का ही पार्ट नंबर में रहता है और वैल्यू पुट करने का नहीं रहता है, इसलिए आप वर्किंग नोट अच्छे से बनाइएगा और स्पीड पहले से बना के रखिएगा। 15 मिनट में आप पहले 4-4 नंबर वाले को हिट करिएगा कि उसको हमको पहले करना है, और ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, लंबे क्वेश्चन पे ही ज़्यादा टाइम दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, अब नेक्स्ट पेपर पे मिलेंगे, तो आप लोग तैयार करिए, ऑल द बेस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।